जगत के निर्माता, व्यवस्था प्रदाता ऐसे परम उपकारी प्रभु श्री आदिनाथ भगवान के चरण कमलों में वंदना। विश्व वंदन्य कलिकाल कल्पतरु श्रद्धा के प्रतीक प्रातः स्मरणीय दादा गुडे राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज शाही एवं वर्तमान गच्छाधिपति राष्ट्र संत मानवता के मसीहा मोहन खेड़ा तीर्थ विकास प्रेरक परम सद्धेय आचार्य देवेश ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के चरण कमलों में भावपूर्ण वंदना करते हुए परम आत्मार्थ सुखयम परम सिद्ध चक्र आराधना हम सब करते आ रहे हैं। नौ पदों की आराधना अपने जीवन के अंदर अविनाशी पद को प्राप्त करने के लिए जहां पर जाने के बाद में जन्म और मृत्यु हमेशा के लिए दूर हो जाती है, जिसे प्राप्त करते व्यक्ति अपने जीवन में शाश्वत हो जाता, ऐसा मुक्ति पद प्राप्ति के लिए हम सबका यह साधना का आज अंतिम चरण है। देखते ही देखते नौ दिन बीत गए, जीवन भी कुछ ऐसे ही बीतता जाएगा और एक दिन पूर्ण हो जाएगा। जब तक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्व की चेतना में जागृति अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, तब तक वह आराधना से जुड़ नहीं सकता। आराधना से जुड़ने के लिए स्वयं की चेतना में चैतन्यता प्रदान करना बहुत ही जरूरी हुआ करता है। आज हम सब तप पद की आराधना करेंगे। तप का त कहता है तेजस्वी बनो और प कहता है पाप से मुक्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पाप से मुक्ति प्राप्त कर लिया करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में तेजस्वी बन जाया करता है। तेज किरणों को प्राप्त करने के लिए पाप रूपी अंधकार से मुक्ति प्राप्त करना बहुत ही जरूरी हुआ करता है। छह प्रकार के बाह्य और अभ्यंतर तप बताए हुए हैं। व्यक्ति उसमें अपने अपने अनुसार तप किया करता है। ये तो एक तप है, लेकिन अपने स्वयं के जीवन के अंदर एक आंतरिक वातावरण को शुद्ध बना करके रखना, ये भी एक बहुत बड़ा तप कहलाता है। तपस्वी व्यक्ति मनस्वी बन सकता है, और जो मनस्वी बन जाता है वह व्यक्ति अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको जरूर समझ सकता है। जब तक हम मनस्वी नहीं बनेंगे तब तक धर्म को बिल्कुल भी जान नहीं पाएंगे। धर्म को जानने के लिए मनस्वी बनना बहुत ही जरूरी हुआ करता है।
धर्म की श्रृंखला का अनुभव नहीं हो, धर्म की गतिविधि का हमें कोई अनुभव नहीं हो, तब तक हमें धर्म के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा प्राप्त नहीं हो पाएगी। धर्म के प्रति श्रद्धा रखने के लिए उसका मनुष्य बनना बहुत ही जरूरी हुआ करता है। ऐसे आप साधु की के प्रति आस्था ऐसे जागृत नहीं करोगे, जब तक उसे जानोगे नहीं तब तक साधु के ऊपर आप श्रद्धा जागृत नहीं कर पाओगे। जब जानोगे तब आपके भीतर श्रद्धा उत्पन्न होने वाली है। एक व्यक्ति दुनिया से तंग आकर के दीक्षा ले लेता है, दरिद्रता का अभाव था उसके अंदर, दरिद्रता का बहुत दुखी हो गया। ऐसे वह मांग में जाता कोई उसे देता भी नहीं, लेकिन दरिद्रता ने ऐसा घेर लिया, करो तो करो क्या। उसे एक महात्मा का सहयोग मिल गया और महात्मा से कहने लगा, मैं आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पित करना चाहता हूं। संत ने कहा, मैं तुम्हें चारित्र दे सकता हूं लेकिन तुम्हें तप आराधना में हमेशा तल्लीन रहना होगा। एक एक पद, एक एक पद के बिना अधूरे है। नवपद जहां पे संयुक्त होते हैं वहां पर नवपद का प्रकाश होता है। सब में विशिष्टता है लेकिन जब नव ही नव मिल जाते थे और परम विशिष्टता उसमें प्राप्त हो जाया करती है। महात्मा ने कहा, भाई मैं तुझे चारित्र दे दूंगा लेकिन उसके बाद में तुझे आराधना में खोना होगा। बोले, मैं उसके लिए तैयार हूं। दुनिया से तंग आकर के उसने मुनि जीवन को स्वीकार कर लिया, लेकिन तप का पूर्णाहुति का समय आया और पारने के लिए वह निकला है। जब वह निकला सब लोगों ने उसे देखा, अरे कल का एक दरिद्र भिखारी आज महात्मा बन गया है। काफी कुछ अपने मुंह से, काफी कुछ कह रहे थे उसे, हमारे समक्ष घूमने फिरने वाला उसकी हमने स्थिति देखी रहती है और जब अचानक वह कोई महात्मा के स्वरूप में आ जाए तो आप भी विचारों में जरूर पड़ सकते हो। जो हमेशा मांगने रहने वाला एक महात्मा बन करके निकला है, कुछ भी लोगों ने मिला, भोजन के लिए लिया शरीर, दुखी होकर के लिया, तंग आकर के लिया, कुछ भी बोल रहे हैं उसे, लेकिन मुनि मात्र सुनते जा रहे हैं, मात्र समन करते हुए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे उपास्त्र में आए और आकर के गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आज गोचरी के लिए गया, आहार के लिए गया और लोगों ने इस प्रकार से कहा मुझे, ऐसे असक्त बोले, मेरे मन में तो अहोभाव था ही, जीवन के प्रति सद्भाव था ही, मैंने उन शब्दों को नहीं स्वीकार किया, लेकिन इस साधु जीवन की, इस तपस्वी की इस प्रकार की अवहेलना हो ये मुझसे देखा जाता नहीं है।
तपस्या करना बहुत ही कठिन बात है, आप सब तप कर रहे हो। जब तपस्वी को कोई कहता है कि तुम तप प्रभावना के लिए कर रहे हो तो मुझे बड़ा दुख लगता है। तप करना हर किसी के बस की बात नहीं, वो तो एक तपस्वी की अनुमोदना है, एक तपस्वी की अनुमोदना होती है। लेकिन तप करके देखे उसको पता चले कि तप क्या हुआ करता है, तप का क्या प्रभाव हुआ करता है। तप की महिमा करना ये मनुष्य की प्राथमिकता है, तपस्वी की महिमा करना यही हमारे धर्म की प्राथमिकता है। तपस्वी की कभी भी अवहेलना अभिनय कभी भी करना नहीं चाहिए, नहीं तो भयंकर दुखों से ग्रसित हो जाओगे। तपस्वी की अवहेलना करने से क्या जीवन में प्राप्त होता है मैं आपको सिपा दास के माध्यम से बताऊंगा। उस तपस्वी महात्मा ने जाकर के गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आज इस प्रकार के अशब्दों का उच्चारण हुआ, मैं तो शांत था लेकिन साधु के प्रति ऐसी भावना, उसके लिए कुछ न कुछ आप कीजिए। महात्मा ने अभय कुमार को बुलाया, अभय कुमार आए महात्मा के पास में, बोलो बुद्धे। बोले ऐसी ऐसी बात है बुद्धिजीवी अभय कुमार, बोलते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन वह अभय कुमार बीच चौराहे के ऊपर बहुत सारे रत्न लेकर के बैठ गया, बहुत सारे रत्न लेकर के बैठ गया, हीरे जवाहरत लेकर के बैठ गया और कहने लगा, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कभी भी विवाह नहीं करे ऐसा कोई संकल्प कर सकता है? कोई व्यक्ति कभी भी कच्चे जल को स्पर्श न करे ऐसा व्यक्ति कोई हो सकता है? कोई व्यक्ति कभी अग्नि को नहीं छुए ऐसा व्यक्ति हो सकता है? उसी को मैं यह रत्न दूंगा। क्या कहा? साधु जीवन लेने की बात तो दूर है, कौन सी बात है? जो जिंदगी में कभी विवाह न करे, जो व्यक्ति कभी भी जल और अग्नि से हमेशा दूर रहे, जल यानी कच्चे जल से दूर रहे, ऐसे व्यक्ति को मैं यह रत्न दूंगा। काफी लोग वहां पर आए लेकिन सब वहां से चुपचाप निकल गए, कोई भी रत्न लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ इस तरह से उन्होंने उस मुनि भगवंत की महिमा बताई कि तुम को ये रत्न देने के बाद में भी, तुमको ये रत्न देने के बाद में तुम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, जीवन में इस प्रकार से तुम्हारी भावना नहीं आ रही है कि हम बिना विवाह से बिना कच्चे जल के स्पर्श बिना अग्नि के बिना ले जाएंगे। लेकिन एक तपस्वी मुनि इनके बिना हमेशा हमेशा की दुनिया से मुक्त हो गया है। तो जो भी जितने निंदा करने वाले थे सब उस मुनि के चरणों में आकर के नतमस्तक हो गए। तो तप करना बड़ा ही कठिन होगा करता है, तप करना बड़ा ही कठिन हुआ करता है। तपस्वी की कभी भी अवहेलना जीवन में नहीं करनी चाहिए। स्वयं श्रीपाद उज्जैन नगरी में बैठा हुआ है अपने संपूर्ण साम्राज्य के साथ में। उस वक्त अपने स्वयं के मंत्री उस मतिशार को उसने बुलाया, आपस में दोनों बैठ करके बात कर रहे हैं कि मुझे उस राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन सब मुझे कह रहे हैं कि तुमने सब कुछ हासिल किया लेकिन जब तक पिता का स्थान तुमने हासिल नहीं किया तो समझो तूने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। पुत्र की असली संपत्ति अगर कुछ होती है तो वो पैतृक संपत्ति होती है। कौन सी संपत्ति? पुत्र की अगर असली कोई संपत्ति होती है
तो उसकी पैतृक संपत्ति यदि पिता का धन पुत्र का अधिकार होता है। दूसरों के धन को छीनना ये हमारी इंसानियत नहीं है, लेकिन पैतृक पिता का धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बनना ये हमारी वीरता है, ये हमारी कायरता नहीं। इस बात का जरूर ध्यान रखना। खैर शिपाल के मन में यह भावना नहीं, लेकिन इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद में भी अगर पिता का साम्राज्य हासिल नहीं किया तो कुछ भी हासिल नहीं किया। मती सागर समझा रहे उसको, कौन बुद्धिमान, नाम उसका क्या है, मती सागर। तो मती तो होगी, मती का सागर, ऐसा मती सागर शिपाल को कह रहे के कुंवर तूने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन जब तक तुम पिता की साम्राज्य को नहीं हासिल करोगे समझना कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जिसके मन के अंदर नौपद हो तो कभी सोच सकता है कि जीवों का संहार हो, कभी सोच सकता, वहां कभी नहीं सोच सकता। कोई जीवों की हिंसा करना मन नहीं चाहता, लेकिन मती सार के कहने के अनुसार उन्होंने अपने एक मंत्री चतुर्मुख नाम का मंत्री, चतुर्मुख चार मुख वाला, मुख एक ही है लेकिन एक ही बातों में अनेक प्रकार की बात करते, ऐसा वह मंत्री उसे भेजा गया उस चंद्र नगर के अंदर। जैसे वो वहां पर पहुंचा, वहां पर उस गद्दी के ऊपर बैठे हुए राजा अजीत सेन उनको जाकर के कहता है कि राजन अब सिंहासन से उतरने का समय आ गया है, अब आपके सिर पर सफेदी आ गई है, आपको ये राज्य गद्दी सहजता से छोड़ देनी चाहिए। भोजन में अंतिम जब चावल आता है तो समझ जाना चाहिए कि भोजन हमारा पूर्ण हो चुका है। चावल आने के बाद में भी फिर आप रोटी सब्जी और भी कुछ मंगाते रहोगे तो मजा आने वाला नहीं है। होता कि नहीं होता ऐसा, चावल आ गए तो समझो हाँ। तो जीवन के अंदर जब भी सिर के ऊपर सफेदी आने लग जाए, जब भी सफेदी आने लग जाए तो समझना कि मुझे अब इस संसार से ज्यादा आसक्त नहीं रहना चाहिए। जब हाथों की मेहंदी सिर के ऊपर आ जाए तब भी जीवन में सावधान हो जाना चाहिए। वर्तमान यही स्थिति है कि नहीं है, है कि नहीं है? जब हाथों की मेहंदी सिर पे आने लग जाए तो उस वक्त हमें सावधान हो जाना चाहिए। आप बड़े होशियार हो, मुझे पता है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। उस चतुर्मुख ने कहा कि राजन तुम छोड़ दो इसको प्रेम से, अब श्रीपाल की महिमा, श्रीपाल ने जो हासिल कर लिया है वो बच्चा बच्चा नहीं रहा है। अनेक राजा उनके चरणों में नतमस्तक हुआ करते हैं और आप तो उनके चाचा हो, आपने भी उनकी महिमा सुन रखी है लेकिन आपने रिश्ता भी निभाया नहीं, आप उनसे मिलने भी नहीं आए, उनकी कोई खबर भी नहीं। जैसे ही महल के अंदर स्तंभ अगर जीर्ण हो जाते हैं तो उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसी तरह से अब आप भी अपने आप को इस राज्य सिंहासन से उतार दो और श्रीपाल के हाथों में राज्य सिंहासन तुम दे दो। लेकिन जिसके भीतर मात्र सत्ता ही सत्ता, सत्ता ही सत्ता की लुलुपता हो, वह व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है लेकिन सिंहासन छोड़ना नहीं चाहता है।
व्यक्ति कभी कभी ऐसे ही गुरूर करता है, ऐसे ही गुरूर करता है। गुरूर इस दुनिया में किसी का न रहा है न रहने वाला है। गुरूर कब गुम हो जाएगा पता नहीं चलता, कब गुम हो जाएगा पता नहीं चलता है। और दिमाग से गर्व हो गया तो क्या कहना चाहता है, तो दूध है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं तेरा संहार कर दूंगा। क्योंकि पहले सम्राटों के पास में दूत भेजे जाते थे, एक दूसरे को खबर पहुंचानी हो तो दूत भेजा जाता था, और कोई भी सम्राट दूत को कभी नहीं मार सकता, कोई भी सम्राट दूत को कभी नहीं मार सकता है, क्योंकि सबको काम पड़ता है। आज इधर दूत भेजा, कल उसको भी दूत भेजना पड़ सकता है। वो कहने लगा कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे शिपाल को कह देना, तुम्हारी सेना लेकर के आ जाओ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। क्या कहा, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। बहुत समझाया उस चतुर्मुखी ने, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पाया। आखिर जो कुछ भी संदेशा था वह लेकर के उस सिपाही महाराजा के पास में पहुंचा और कहने लगा कि राजन, उनकी इच्छा युद्ध करने की है, उनकी इच्छा लड़ाई करने की है। श्रीपान ने विचार किया, ठीक है, जब उनकी भावना है जो सहजता से नहीं मान रहे हैं, कैसे भी करके उनके भीतर सुमति आए ऐसा कार्य मुझे करना होगा। सामने वाला व्यक्ति अगर दुर्मति से युक्त है तो उसके भीतर सुमति कैसे आए, उसके लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। लेकिन शिपाल ने अपना साम्राज्य लिया, सेना ली और वह तो निकल पड़ा अपने स्वयं के राज्य की ओर, अपनी पैतृक संपत्ति को हासिल करने के लिए। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जयकार का नाद होता जा रहा है, नौबत का जयकार। नौबत व्यक्ति के जीवन में सद्बुद्धि भी देती है और शक्ति भी देता है। नौबत व्यक्ति के जीवन में सद्बुद्धि भी देता है और शक्ति भी देता है। काफी लोग कहते हैं, गुरुदेव हमारे मस्तिष्क के अंदर विचार शुद्ध नहीं आते हैं, हम हमारे विचारों से बड़े ही विडंबना बने हुए हैं, बड़े लाचार है। हमेशा मेरे मस्तिष्क में, मेरे भीतर न जाने ऐसे ऐसे विचार जो मेरे जीवन को हमेशा दुखी करते रहते हैं। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आप बुरे विचारों से ग्रसित हो तो आप हमेशा नौकार का नाद करो। नौकार का नाद जितना आप जोर से करो उतना आप करते रहो। रूम में बंद हो जाओ और नौकार मंत्र का स्मरण करते रहो। अपने घर के अंदर भी हर किसी के भीतर अच्छे विचारों का प्रकटीकरण हो, ऐसी या भावना रखते हो तो नौकार से पूरा घर को गुंजायमान करने की आवश्यकता है। आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा होता हो, क्लेश होता हो, आपस में नहीं बनता हो, उस वक्त आप हमेशा नौकार का नाद करते रहो। नाद नहीं करो तो कोई बात नहीं, मन में स्मरण तो जरूर कर सकते हो, लेकिन आप तो सामायिक भी करते, नौकार वाली आपके हाथ में होती, लेकिन नौकार में आपका मन नहीं होता। बहू अभी क्या कर रही है, कहां पर है, किचन में है, रूम में है, खाना बना रही कि नहीं बना रही है, सारा ध्येय आपका उसी की ओर होगा।
तो वही बातें आपके उस घर के अंदर प्रसारित होने वाली हैं। शुद्ध वातावरण कभी भी घर में उत्पन्न नहीं हो सकता है। अच्छा वातावरण बनाने के लिए नौकार का नाद करना बहुत जरूरी है। अपने घर के अंदर नौकार को प्रसारित कीजिए, आपका जीवन पावन बन जाएगा। नौकार का नाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए उस साम्राज्य चंद्रपुर नगर के बाहर पहुंचे। अधिसेन ने भी आक्रमण करना प्रारंभ किया उसने भी, लेकिन शिपाल के 700 सुभट, शिपाल के 700 सुभट थे जो मुख्य थे। बाकी तो सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन जो कोड़ी जो कोड़ रोग से ग्रसित थे उसको भी ठीक कर दिया गया था, और बस सभी के सभी शिपाल के सुभट बड़े चतुर थे। और सबसे पहले वो आगे हुए। उनके पास में ताकत शक्ति थी, लेकिन फिर भी अपनी विचक्षणता से दिमाग से उन्होंने अधिसेन राजा को बंदी बना लिया गया। बंदी बना करके शिपाल के समक्ष उसे हाजिर कर दिया गया। लेकिन जैसे ही अपने अंकल को देखा, चाचा को देखा, रस्सियों से बंधे हुए हैं, शिपाल ने कहा तुम इसे छोड़ दो। क्या कहा? तुम इसे छोड़ दो, बांध करके मत रखो। जिसके मन में परमेष्टि का इष्ट है वह सभी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, वो क्लिष्ट विचार कभी भी नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही अंकल को इस स्थिति में देखा, 700 सुभटों को कहा कि भाई तुम इसे छोड़ दो, सबसे पहला असर यहां पर पड़ा। अधिसेन के मन में सबसे पहला असर यहां पर पड़ा कि देखो इसने बंदी बनाकर के तो लाए 700, लेकिन शिपाल के मेरे प्रति कैसी सद्भावना है। उसने सबसे पहले कहा छोड़ दो। क्या कहा? अहोभाव पैदा होगा कि नहीं होगा? व्यक्ति जेल में होता है और जेल से एकदम बेल उसे मिल जाती है तो बाहर आकर के कैसा खुश होता है, प्रसन्न होता कि नहीं होता है? कुछ इसी तरह से उसके मन में भी प्रसन्नता आई। श्रीपाल अजिशन महाराज को समझा रहे हैं आप तो मेरे पिता तुल्य हो, आपने भले ही मेरी राज्य सत्ता को भले छीन लिया हो, मेरे मन में प्यास नहीं है कि मैं तुम्हारे राज्य सत्ता को छीन लूं, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप मुझे जिंदगी भर तक निर्बल मानते रहोगे। क्या? निर्बल मानते रहोगे। आपके मन में जो गुरूर है, अभिमान है, अहंकार है, और जब तक ये है तब तक आपके भीतर अरहम उपासना कभी भी आ सकते नहीं है। अहंकार ही कभी अरिहंत को याद नहीं कर सकता है। राजन तुमने सत्ता का उपभोग किया है, तुम करो, लेकिन तुमने जो व्यवहार किया वो अच्छा नहीं किया। अजिसेन भी अपने आप के मन में परास्त हो तो गया है वह, लेकिन परास्त हुआ साथ साथ में बुरे विचारों से भी परास्त हो गया है। कौन से विचारों से? बुरे विचार जो हमेशा उसके दिमाग में चलते रहते थे वो भी सारे गायब हो गए। देखो सामने वाले व्यक्ति के मन के अंदर सुमति पैदा करना भी हमारे स्वयं के हाथों में हुआ करता है।
आप कहते हो कि सामने वाला खराब है खराब है खराब है, उसको अच्छा बनाना हमारे हाथों में है, लेकिन आपने उसको अच्छा बनाने के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया। आपके घर के अंदर कोई बच्चा हो उसको तो पूरे दिन खराब काम करता है खराब काम करता है खराब काम करता है तो खराब बन करके रह जाता है, लेकिन आप उसे खराब काम उसने किया हो लेकिन कभी कभी डांट करके कभी थोड़ी उसकी प्रशंसा भी कर ली हो ना, तो कभी भी उसके जीवन में परिवर्तन जरूर आ सकता है। अब जिस सेंट के मन के अंदर भाव परिवर्तित हो गए, भाव परिवर्तित हो गए, मैंने जीवन में क्या किया, मुझसे जैसा अपराधी मुझसे जैसा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है, प्रेम से वह अपने राज महल में अपने भतीज को लेकर के जाता है, क्योंकि सिपाही ये नहीं चाहता था कि नरसंहार अधिक मात्र में हो, अधिक मात्र में नरसंहार हो, अनेक जीवों का हनन हो, ये सिपाही नहीं चाहता था, लेकिन दोनों में वात्सल्य का वातावरण बन ही गया। ये नौबत की जयकार का प्रभाव है, किसका प्रभाव है, शिपाल किसकी जयकार कौसते पहुंचता, सिद्ध चक्र भगवान की जय हो विजय हो। जहां पे सिद्ध चक्र भगवान होते हैं नौपद होते हैं वह तो हमेशा हमें विजय दिलाता ही दिलाता है। नौपद का प्रभाव है, जैसे दोनों बैठे हुए हैं बहुत सारी बातें वह कर रहे हैं, लेकिन अजीत सेन के मन में पश्चाताप 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 इतना पश्चाताप उत्पन्न हुआ, अब एक ही मात्र विचारधारा के इन पापों को दूर करने के लिए मेरे पास में कौन सा रास्ता है, इन पापों को दूर करने के लिए मेरे पास में कौन सा रास्ता है। इस दुनिया में पाप प्रवृत्ति से मुक्त होने के लिए सर्व वृत्ति से बढ़कर के